हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द सर्किट ऑफ अ कार्बन आर्क लैंप इज शोन इन द फिगर। टू इग्नाइट द लैंप द कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर टच्ड टुगेदर देन दे आर स्लोली ड्रॉन अपार्ट। द वोल्टेज अक्रॉस द गैप बिटवीन द कार्बन रॉड्स एज अ फंक्शन ऑफ करंट कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला दैट इज वी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय आई वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। If the voltage of the battery V0 can be considered constant, what is the maximum resistance of the rheostat Rmax that should be connected in series to ignite the lamp? The data given is A is equal to 40 volt, B is equal to 20 watt, V0 is equal to 100 volt. So the key concept that we will use here to solve this question is the Ohm's law. That is, V is proportional to current flowing. So this V will be equal to I into R. This is concept हम लोग यहाँ पे use करेंगे. So ये जो हमें given है, that is V naught जो है हमारी, ये constant है और इसकी value जो given है 100 volt है. और A और B की data given means A जो है वो हमारी 40 volt है and B जो है वो 20 watt है. और हमें ये given है, जो ये lamp है, इसके across जो voltage है This is given by A plus B by I. अब हमें maximum resistance find करनी है, so that the lamp will ignite. तो ये जो हमारे पास circuit given है, इसमें अगर हम लोग KVL apply करते, so apply Kirchhoff's voltage law, तो ये क्या हो जाएगी? V naught will be equal to lamp के across V है, that is V. और suppose इसमें इस V naught में जैसे I current flow होगी, तो resistance R के across जो potential drop हो जाएगी, that will be I into R. अब ये हमें गिवन है V नॉट जो है 100 एंड V जो है दैट इज A प्लस B डिवाइड बाय I प्लस I इनटू R. अब A और B की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 100 इक्वल टू A है 40 प्लस B है हमारे पास 20 डिवाइड बाय I प्लस I R. अब यहां से हम लोग I एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगी 100 I equal to 40 I plus 20 plus I square R. तो अभी हम लोग सारे टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी I square into R and then minus 40 में से 100 जाएगी तो 60 हो जाएगी, तो 60 I and then plus 20 equal to 0. तब यहाँ से देख सकते हैं ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है I के टर्म्स में. तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? आई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मींस ग्रेटर देन 0. तो इसके लिए हम लोग यहां क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 कर दे, तो यहां से हमें जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव रूट्स आती है. तो यहां पे आई की जो वैल्यू आएगी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी. जैसे ही आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लैंप जो है वो इग्नाइट करना स्टार्ट कर देगी. तो डी ग्रेटर देन इक्वल पुट कर दे, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जहां बी जो है वो x की कोफिशिएंट होती है मींस वेरिएबल की कोफिशिएंट, a जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन मींस x स्क्वायर की कोफिशिएंट होती है और c जो है कांस्टेंट टर्म. तो यहां से b की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी माइनस 60. तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस 60 की स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू यहां पे i स्क्वायर की कोफिशिएंट है r एंड c की वैल्यू हो जाएगी 20 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 60 की स्क्वायर 3600 माइनस और ये हो जाएगी 80 r ग्रेटर देन 0. तो यहां से लिख सकते हैं 80 R should be less than 3600. तो यहां से R की जो वैल्यू होगी that will be less than 45. Hence, तो यहां से लिख सकते हैं maximum value जो R की होगी that is R max should be 45. So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.